बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, माय सेल्फ अमजद शहजाद। और आज की इस वीडियो में जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सबसे पहले जो है आपने अपना जीमेल अकाउंट जो है वो कैसे क्रिएट करना है, और उसके बाद आपने अपना यूट्यूब चैनल जो है अगर आप बनाना चाहते हो तो वो कौन कौन सी सेटिंग्स है वो आपने करनी है, और अपना आपने यूट्यूब का चैनल जो है वो किस तरीके से जो है वो क्रिएट करना है। तो चलते हैं आज की अपनी इस वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले जो है वो मैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन की तरफ चलता हूं और वहां पर जाकर जो है वो आपको तफसील से साथ साथ जो है वो गाइड भी करूंगा। जी दोस्तों, मैं हूं अब अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। तो यहां पर आपको जो है वो गूगल का जीमेल का जो है एक पेज नज़र भी आ चुका है, जहाँ पर आपने गूगल का अपनी आई डी जो है वो क्रिएट करनी होती है। तो सबसे पहले जो है वो क्रिएट एन आई डी एन अकाउंट पर जो है वो आपने जाना है, क्योंकि जीमेल का जो है वो अकाउंट लाजमी है और उसके बगैर आप यूट्यूब चैनल जो है क्रिएट नहीं कर सकते। सबसे पहले यहाँ पर आपका है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। दूसरी बात ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपका जीमेल यानी अकाउंट का नेम होगा तो वही आपका यूट्यूब का जो है चैनल का नेम होगा। आप कोई भी जो है वो रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं मिसाल के तौर पर रख देता हूँ अहमद, शहजाद रख लेते। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है वो मैंने अहमद शहजाद के नाम से बनाया। यूज़र नेम @gmail.id ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपके पास नंबर और लेटर और @ जो है वो आप डालोगे तो तब जाके आपका जीमेल जो है वो अकाउंट बनेगा। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ अहमद @shahzad786, ये जो है वो मैंने लगाया है। लेकिन कह रहा है कि सॉरी ओनली लेटर्स A to Z नंबर 09 या पीरियड आर अलाउडेड। सो @ जो है वो अलाउडेड नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं डॉट लगाता हूँ, जब से करते हैं तो द यूज़र नेम इज़ टेकन, यानी ऑलरेडी जो है वो ये यूज़र नेम बन चुका है। तो इस वजह से मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अहमद शहजाद 0999 देखते हैं वो बना है कि नहीं बना हुआ। तो ये भी बना हुआ है और फिर मैं एक 9 लगा के देखता हूँ। तो जी अहमद शहजाद 0999 के नाम से जो है वो मेरी आईडी जो है वो एक्सेप्ट हो चुकी है। पासवर्ड जो है वो आप जो उनसे मर्जी दें। जी पासवर्ड जो है वो मैं दे चुका हूँ और अब आप नेक्स्ट की तरफ जो है वो चलेंगे। तो यहाँ पर आके जो है वो आपका पहला स्टेप जो है वो कंप्लीट हो चुका होता है। तो इधर जो है वो मैं अपना फ़ोन नंबर दूंगा। फ़ोन नंबर इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर आपको जो है फ़ोन नंबर के ज़रिए से कोड जो है वो वसूल होगा, तो वो आपने जो है वो लाजमी देना है। यहाँ पर आप जो है क्योंकि पाकिस्तान का जो है वो सिलेक्ट कर चुके हैं, आप किसी भी कंट्री में हैं तो आप अपना कंट्री का जो है वो कोड जो है वो सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं जो दे रहा हूँ अपना नंबर 76 के नाम से जो है वो मैं बना रहा हूँ। यहाँ पर डेट ऑफ जो है वो मैं दे देता हूँ, कोई सा भी जो है वो आप, लेकिन अगर आप जो है वो अपना जीमेल अकाउंट बना रहे हैं तो यहाँ पर गलती जो है वो बिल्कुल नहीं करनी। आपने अपना जो है वही एड्रेस देना है जो कि आपका यानी शिनाख्ती कार्ड पर जो है वो लिखा हुआ है। आपने अपना डेट ऑफ बर्थ जो है वो देनी है, एड्रेस की बात नहीं कर रहा था सॉरी। तो यहाँ पर मेल जो है वो मैं सेलेक्ट करूँगा और उसे मैं नेक्स्ट करूँगा। तो इधर जाके जो है तकरीबन मैंने अपना जीमेल नंबर देने के बाद यहाँ पर जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस थी जो है वो आपने एक्सेप्ट कर लेनी है और उसको मैं ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आके जो है वो जीमेल जो है वो समझ ले के मेरा क्रिएट हो चुका है। पहला स्टेप यूट्यूब चैनल जो है वो क्रिएट करने के लिए जीमेल आईडी जो है वो बनाई जाती है। अब यहाँ पर देखें तो जीमेल आईडी जो है वो क्रिएट हो चुकी है मेरी। तो अब जो है हमने क्या करना है, अब यहाँ पर गूगल ऐप्स में आप जो है वो चले जा सकते हैं। यहाँ पर देखें यूट्यूब लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप यूट्यूब को जो है एक न्यू टैब में जो है वो मैं ओपन कर देता हूँ, ठीक है। तो अब न्यू जो है यूट्यूब जो है एक नए टैब में जो है वो आप क्रिएट कर चुके हो। तो यहाँ पर आके अब आगे की जो स्टेप्स हैं उसको आपने उसी तरह फॉलो करना है। लेकिन आज मैं सिर्फ जो है वो यूट्यूब क्रिएट करना सिखा रहा हूँ आपको। जीमेल आईडी और यूट्यूब भी सिर्फ एक जो है
आपने क्रिएट किस तरह करना है वो जो है वो आपको सिर्फ बताऊंगा। नेक्स्ट जो है वो वीडियो में जो है, क्योंकि ये यूट्यूब पे पूरी सीरीज जो है वो मैं अपने चैनल में जो है क्रिएट करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर इंशाल्लाह जो है वो आपको सारी चीज़ें जो है वो बता देंगे। अच्छा जी, यहाँ पर आके देखें तो हमारे पास ये देखें, मैंने अहमद के नाम से जो बनाया था यहाँ पर उसका ए का जो है वो लोगो आपको नज़र आ रहा होगा, तो आपने इस ए के लोगो पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट अ चैनल, इस क्रिएट अ चैनल पे जो है वो आपने चले जाना। अब जैसे कि मैंने अपना जो है वो समझ ले कि जीमेल आईडी में अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है वो अमजद शहजाद लिखा था, अहमद शहजाद लिखा था सॉरी। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि अब यहाँ पर आपने वो नेम रखना है अपने यूट्यूब चैनल का जो यूनिक हो, जो सर्चिंग में आ सकते हो। तो उसके लिए जो है वो एक अलग वीडियो जो है वो मैं बनाऊँगा, और उसमें आपने जो है वो किस तरीके से जो है वो क्रिएट करना है चैनल, तो वो जो है इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है, क्योंकि अब यूट्यूब का जो है नेम वगैरह जो है वो बहुत अहम जो है वो होता है, और यहाँ पर आके जो है बहुत सारे जो हैं दोस्त जो है वो गलती करते हैं कि उस फिर कह रहे हैं कि हमारा जो चैनल जो है वो क्रिएट नहीं हो चुका है लेकिन सर्चिंग पे नहीं आ रहा। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मैं आपको बताऊँगा कि आपने अपना यूट्यूब चैनल जो है वो क्रिएट करने से पहले नेम को कैसे सर्च करना है, आप किस निच पे काम कर रहे हो, उस निच पे जाने से पहले जो है वो आपने अपने यूट्यूब के चैनल को जो है वो सर्चिंग पे किस तरह लेके आना है और कौन सा नेम जो है वो सिलेक्ट करना है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, तो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि आपने निच का नेम जो है वो कैसे सर्च करना है। तो मुझे इजाज़त दें, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सपोर्ट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।